अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ईशोर सिंह इज हियर। आज का हमारा जो लेसन है वो है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर जो आपको प्रीवियस लेसन में करा लिया था, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 कुछ इस तरह का है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक लॉ पता होना चाहिए जो कि है लॉग ए वाई इक्वल टू एक्स और ए एक्स इक्वल टू वाई। अब ये जो लॉ है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में सारे पार्ट्स में इस्तेमाल होगा और आगे भी इस्तेमाल कुछ क्वेश्चन में होगा। सो अगर आप लोग बुक पे मूव करें तो बुक पे यहाँ नीचे लॉज लिखे हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ भी ये जो लॉज हैं ये आप लोग को याद करने पड़ेंगे। और एक और लॉ था वो साइड बॉक्स में कहीं लिखा हुआ था, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स और इसके आगे क्या हो जाए कि ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ए एक्स इज इक्वल टू वाई। जहाँ देखें ये हमारे पास जैसे फर्स्ट लॉ है लॉग ए एम एन इज इक्वल टू लॉग ए एम, ये जो ए और एम एन है ये कोई भी वैल्यू हो सकती हैं। जैसे लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स हमने लेट की थी, चाहे लॉग ए एम इज इक्वल टू एक्स हमने लेट कर लिया है। और आगे ये जो है हमारे पास ये उसके बाद इसको हमने जब कन्वर्ट किया ए एक्स इक्वल टू एम में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास इस किस्म की होती है, ठीक है। और यहाँ अगर इसे 3.1 के पेज पे मूव करें तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ए एक्स इक्वल टू वाई लॉग ए वाई इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है। आई होप कि आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे एज इट इज लॉग 381 इज इक्वल टू एल। अब यहाँ देखिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे, ये देखें हम लोग इसके नीचे लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग ने इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेना है। बेशक आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का, और उसके बाद क्या करना है हमने, यहाँ देखें अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया जो हमारे पास क्वेश्चन था, और जो मैंने आपको ये पढ़ाया था उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आप इसमें इनको कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करेंगे कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल पूछे कि ए की क्या वैल्यू है, तो ए के ऊपर क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है, 3, ठीक है। अब देखिए ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ए के ऊपर ए के बिल्कुल सामने कौन सी वैल्यू है, 3 है, तो मतलब पैरेलल है एक दूसरे के, तो मतलब ए और 3, ए की वैल्यू 3 आ गई। और उसके बाद जब वाई की वैल्यू पूछेंगे तो वाई के आगे कौन है, 81, तो 81। और अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई एल, क्योंकि एक्स के सामने एल था। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हमने कंपेयर कर लिए, अब हम लोग राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, अब यहाँ लिख देते हैं ए एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमने जो वैल्यूज कंपेयर की थी ए की जगह एक्स की जगह वाई की जगह, आप लोगों ने वो लिख देनी है। ए की हमने क्या कंपेयर की थी, 3, ए की जगह 3, एक्स की क्या कंपेयर की थी, एल, तो एक्स की जगह एल, और वाई की क्या कंपेयर की थी, 81, तो वाई की जगह 81। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब 81 किसका, 81 3 4 टाइम्स 81 के लाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसका एलसीएम ले तो 3 4 टाइम्स, इसके बाद 3 और 3 आप इसमें क्या हो गए, कैंसिल, पीछे क्या बच गया, एल इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, आंसर, क्योंकि हमने जो हमारे पास वैल्यूज नहीं की, जैसे एल होगी एम होगी कोई भी नंबर्स होगी, उनकी जो वैल्यूज होती है हमने वो फाइंड करनी है,
आई होप कि आप लोग को ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं मूव कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह का है। अब अगर आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ लिया तो सारे पार्ट वैसे ही हैं, बस वैल्यूज चेंज है। फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज हम लोग कर लेंगे, जो राइट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक है। पहले इसको एक जो वन का नाम दे दिया और लॉग ए वाई इक्वल टू एक्स को इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया। उसके बाद राइट कंपेयर करना है इक्वेशन वन को टू के से, ठीक है। नेक्स्ट कंपेयर करें ए के आगे क्या कौन सी वैल्यू आ रही है, ए ही आ रही है। वाई के आगे कौन सी वैल्यू आ रही है, सिक्स आ रही है। एक्स के आगे कौन सी वैल्यू आ रही है, 0.5 आ रही है। अब हमने यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ए अननोन नंबर है। उसके बाद राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो ए एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ए की वैल्यू हमने क्या कंपेयर की थी, ए वाई की, एक्स की वैल्यू 0.5 और वाई की वैल्यू 6। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ आई हो, यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, 0.5 किसके इक्वल होता है, 0.5 वन डिवाइड बाई टू के इक्वल होता है। और 6 ठीक है, वन डिवाइड बाई टू और 6 एज इट इज़। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ताकि हम 2 को ख़त्म कर सकें। ठीक है, ए वन डिवाइडेड बाई टू और 6 की पावर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। 6 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 36। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, आंसर है। आई होप कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत आसान पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में मैं मूव कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log 5 n इक्वल टू 2। अब log 5 n इज इक्वल टू 2 को हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके भी फर्स्ट स्टेप वैसे ही करेंगे। log 5 n पहले एज इट इज लिख देना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। इसके log a y इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। कंपेयर करना है, उसके कंपेयर करना है तो a की पावर a के आगे 5 है, y के आगे n है और x के आगे 2 है। अब यहाँ इसमें अननोन नंबर कौन सा है, n है, तो हमने यहाँ n फाइंड करना है। नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ए की वैल्यू 5 जो कंपेयर की थी, x की 2 और y की n। ये तो हमारे पास खुद ही सीधा सीधा हमें हमारे पास सॉल्व भी हुआ। अगर 5 की पावर 2 25 आगे हमारे पास n की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास आंसर। ये तो बहुत आसान पार्ट था, आगे सीधा सीधा हमने ना अरेंज करना था, हमारे पास सॉल्व था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की टर्म मूव कर रही हूँ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 10p इज इक्वल टू 40। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके भी अच्छा अब ये डिफरेंट है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें लॉग नहीं गिवन। जैसे अगर लॉग ही देखिए इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इस फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन, ये अलग फॉर्म में लिखा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगह हम लोग लॉग लेट कर लेंगे। लॉग 10p इज इक्वल टू लॉग 40। अब लेट किया हमने लॉग, ठीक है, लॉग 10p और लॉग 40। अब आप लोग कैलकुलेटर में आप लोग लिखें log 10, ठीक है, log 10। मैं कैलकुलेटर ले भी आई हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। log का बटन दबाएं, ठीक है, और log 10, log 10 लिख लिया। किसकी इक्वल है, 1 के। किसकी इक्वल है, आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। log 10 किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यहाँ log 10 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1, और फिर हम लोग इस साइड पे ले जाएंगे। अच्छा पहले हम लोग ये स्टेप कर लेते हैं, जब भी कोई पावर हो हम उसे पीछे लेके जा सकते हैं अगर हमने ये वैल्यू सॉल्व करनी हो, ठीक है, पावर को हम पीछे ले गए। अब log 10 किसके इक्वल आया था हमारे पास, 1 के।
लॉग 40। अब लॉग 40 आप लोग कैलकुलेटर में लिखे, लॉग ओ लॉग 40, यहाँ किसकी इक्वल आएगी 1.602। आप लोग तीन वैल्यू लिख दो पॉइंट के बाद, ठीक है 1.602। बेशक आप लोग आगे 0.5 लिख दें, 0.5 अगर आप लोग ने लिखना है तो आप लोग उससे 0 को 1 में कन्वर्ट करें, क्योंकि 0 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। आप लोग चाहें तो 1.602 भी लिख सकते हैं, और अगर आप लोग 0.5 की वैल्यू लिखनी है तो आप 1.602 1 लिखेंगे, क्योंकि 0 के आगे 5 आ रहा था। अब पी 1 से मल्टीप्लाई करने पी आएगा और 1.602 1, ये हमारे पास क्या है आंसर है। आई होप के अगला पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप के आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।